मैं आपके सामने मिसालें रख सकता हूँ। मिसाक मदीना जदीद दस्तूर की, जिसमें मज़हबी दीगर अकायद के लोगों के लिए हकूक भी रखे गए थे, उनके साथ कैसे सलूक होगा, है ना। हकीकत तो दस्तूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसाक मदीना में आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मज़हब से रहनुमाई लेते हैं। फिर शूरा का तसव्वुर कि अपने मामलात में बहम मुशावरत किया करो। पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लर से निकलिए टू टॉक। अलामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, उनकी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, उन्होंने कहते हैं रिपब्लिकन मॉडल पार्लियामेंट ये तो आने वाले वक्तों में इश्तेहाद भी करेगी। अब एक और जाविये से इसे देखते हैं। आलम इस्लाम की मुसलमानों की गालिब अक्सरियत अच्छी बुरी जमहूरियत के ताबे रहती है। सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, वहाँ इलेक्शन होता है, सदारती निज़ाम है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, इलेक्शन होता है, यहाँ अवाम की गालिब अक्सरियत वोट डालती है। 111-112 मिलियन वोटर्स हैं, उनमें से 55% वोट डालते हैं। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान आबादी, पांचवें नंबर पे नाइजीरिया और बहुत सारे जो मुल्क हैं, तुर्की, ईरान, वोट का हक भी है, सिस्टम भी है। जो मैंने इब्तदा में बात की थी कि वन साइज़ फिट ऑल नहीं होती जमहूरियत, आपने अपने हकायक के मुताबिक ऐसा निज़ाम बनाना है। जमहूरियत की कोई एक हतमी तारीफ नहीं है, बहुत सारी तारीफें, लेकिन उसका जो एसेंस है कि जिस तरह हमने अपने दस्तूर में कोडिफाई किया करारदाद मकासिद में, सॉवरेनिटी ओवर इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, इट विल बी एक्सरसाइज एज ए सीक्रेट ट्रस्ट। किसके ज़रिए? थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, एक भी नहीं, सिर्फ सदर ममलिकत नहीं, थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे होंगे। तो आप मुझे बताएं कि, और जो यूरोप में डायस्पोरा है वो अब इतने बेताब भी हैं और कि यहाँ आके इलेक्शन भी लड़ें, वहाँ भी हिस्सा लेते हैं, कितने हमारे पाकिस्तानी निजाद हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जीत के पहुँचे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुँचे। तो मुझे बताएं आलम इस्लाम की फैक्चुअली गालिब अक्सरियत जमहूरियत के ताबे रहती है। हाँ, बाज़ लोग हैं जो उसको थियोलॉजिकली कंटेस्ट करते हैं, लेकिन द लिव्ड एक्सपीरियंस, अफगानिस्तान जहाँ इतना सूरत हाल रही, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। तो आपकी जमहूरियत की तारीफ क्या है? मसलन कुरान में कोई इसकी ज़िद नहीं मौजूद। ये ज़ियाउल्लाह साहब के दौर में एक तसव्वुर आया कि सियासी जमातें ना हों, ये ना हो, भाई वो तो वहीकल्स हैं। असल तो हैसियत उस चीज़ की है कि मुझे बतौर शहरी ये हक होना चाहिए कि मैं मुंतखब करूं कि मेरे बिहाफ पे, मेरे टैक्सों पे मेरे लिए कौन काम करेगा, और नहीं करेगा तो उसे मैं घर भेजूं। ये इख्तियार, इसका नाम जमहूरियत है। फिर इसके लिए आपको कल्चर चाहिए, इसके लिए आपको तालीम चाहिए, रवैये चाहिए, आप बर्दाश्त करें। जमहूरियत का ये कतन तसव्वुर नहीं है कि जो मुझसे इख्तलाफ रखता है उसको पामाल कर दो, बर्बाद कर दो, बल्कि जमहूरियत के जो तकाजे जो तहजीबी इर्तका में नज़र आते हैं उसमें तो कमज़ोर की, वल्नरेबल की, मुखालफत रखने वाले की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़्यादा है।